अच्छा, अगर हम बच्चे जैसे हमने अभी तक बालाज को जब नहला के निकालते तो लोशन, बेबी लोशन लगता है उसकी बॉडी, बिल्कुल, तो क्या अपने बच्चों के अंदर वही चीज रखें जैसे पहले हम उसकी मसाज करते थे तो वो ऑयल लगाते थे, बेबी ऑयल, और अब आदत बन गई है कि उसकी स्किन पे हमने बेबी लोशन लगाना है नहाने के बाद, तो क्या उससे बच्चे बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं, लेकिन मैं बेबी लोशन के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि अब न्यू रिसर्च कहती है कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें पैराबेंस और पैराफिन्स इतने हैं कि वो आपको स्किन कैंसर की तरफ लेकर जाते हैं, इसीलिए पूरी दुनिया में उसमें बैन लग चुका है। आप कोकोनट ऑयल यूज करिए, कोकोनट लोशंस मिलते हैं, एलोवेरा लोशंस मिलते हैं, बच्चों के लिए बेहतरीन वही होते हैं। और दूसरा ये कि हफ्ते में 2 से 3 दफा बच्चों को जिंक का सिरप और विटामिन सी का सिरप जरूर दें, ताकि उनकी रिक्वायरमेंट जो खाने से पूरी नहीं हो रही है वो एटलीस्ट सप्लीमेंट से एक दिली तसल्ली रहती है, मतलब बीइंग अ मदर मुझे खुद तसल्ली रहती है कि अगर मैं संडे जो है वो बच्चों को दे देती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ बहुत बेहतरीन चीज हो गई। क्यों, जाहिर साथ मेरे में टेंडेंसी है, मेरे एलर्जी फैक्टर्स बढ़ते हैं तो मुझे लगता है मेरे बच्चों में भी वही चीज आएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जरूरी होता है।